अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। एक राज्य था, वहाँ एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी चार संतानें थीं, दो लड़के और दो लड़कियाँ। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामकाज के साथ भगवान की पूजा अर्चना और गौ माता की सेवा भी किया करती थी, जबकि अमावस्या न ही घर का कोई काम करती थी और न ही पूजा पाठ करती थी और न ही गौ माता की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे, वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, आप इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना ही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय करा दिया और वहीं पास के गाँव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। राजा ने अपनी रानी से सारी बात जाकर बताया। तभी रानी यह सोचने लगी कि देखते हैं भगवान अब इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ करती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका हाथ बटाती है, जबकि उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोक जमाती है और घर का कोई काम नहीं करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं, जबकि पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, उसको खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। खैर कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मैंने क्या गलती की है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा, ठीक है। और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, वह कोई और नहीं साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊँ।
कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, जो साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा अर्चना भी की, और पूजा अर्चना करने के बाद बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊँगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए कोई नहीं, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माताजी। और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ़ सफाई कर देती है, पूजा पाठ भी करती है और माताजी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है, कहती है, सभी काम हो गया है माँ जी, कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटी, अब तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है, नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम किनारे पर साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ़ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबा दिए और कहती है, माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें एक थैले में रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इस थैले को अपने घर पर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला अपने घर पर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर पर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा चार थैले कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक पोटली बना लिया और सर पर रखकर वहाँ से रवाना। कुछ दूर जाने पर उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी एक थैला पूर्णिमा को देती है और कहती है कि यह थैला तुम अपने घर पर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास पाँच थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा सबसे पहले अपने मायके का थैला खोल कर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि थे। इसके बाद अब वह पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना सिंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया हुआ था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी।
इसके बाद अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और चाह 7 प्रकार के खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा के गाँव में सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी और अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आई और घर से आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसी भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली जिससे भी उसने यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, उनसे भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उनकी भाभियों ने देखा तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, ढाई मन अनाज की। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दी और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वह गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर गई, आंगन में देखा तो वहाँ पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला, किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना, पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा की थी, फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया।
और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। अगर आपको मेरी भक्ति की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।